नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा किसे चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा इंसान। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में? मैं बचपन से ही डेरे में आती हूँ और यहीं पे ही सेवा करती हूँ, और गुरुजी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है और मैंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है कि यहाँ पे आना चाहिए और धार्मिक स्थान है ये। हमें यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया, बचपन से लेके आज तक मैंने कुछ गलत नहीं देखा और ना ही देखना चाहती हूँ। जो दुनिया कह रही है कि गलत बता रही है गुरु जी के बारे में, मैंने ना देखा ना मैंने किसी से सुना, पर ये जो गलत हैं, सामाजिक तत्व हैं जो गलत बता रहे हैं गुरु जी के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद आओ डेरे में, आपको ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन है? मैं MBBEd हूँ। इतने एजुकेटेड होने के बाद आप यहाँ पे आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा अंधविश्वास है, जो यहाँ पे अंधे भक्त आते हैं, इसका आपका इस पर क्या विचार है? मैं नहीं मानती कि वो सच कह रहे हैं, या तो वो आते नहीं हैं या किसी की बातों में आकर वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने यहाँ बचपन से आ रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है आज तक। मैं यहीं पे पढ़ी हूँ, गुरुजी के आश्रम में रही हूँ, गुरुजी के हॉस्टल में रही हूँ। वो वहाँ पे आते थे, फंक्शन होते थे, पर मैंने ऐसे कभी गलत होता नहीं देखा। ये आपकी बेटी आपके साथ आई हुई है, तो लड़कियों के लिए यहाँ का माहौल कैसा है? आप इसको साथ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कैसा माहौल है? हाँ जी, यही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी यहीं पढ़ी हूँ, इस कॉलेज स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं अपने बच्ची को भी मैंने यही इसी स्कूल में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे ये स्कूल अच्छा लगा, यहाँ की स्टडी अच्छी है, यहाँ के संस्कार अच्छे हैं कि बाहर कैसे टैकल करना चाहिए लोगों को, ये सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। कैसा माहौल है लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है, सेफ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ गलत नहीं हुआ, ना कभी हुआ है, ना मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे को पूरा यकीन है कि ना मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान ने समाज के लिए क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। मानवता भलाई के इतने सारे काम चल रहे हैं यहाँ पे, घर बनाना, किसी के भूखे को रोटी खिलाना, ये सब कुछ हमें गुरुजी ने ही सिखाया है। और हम हफ्ते में एक बार व्रत भी रखते हैं, और वो जो व्रत रखने का जो हम बचता है हमें, वो हम गरीबों को देते हैं। और क्या आप जो यहाँ पे आ रहे हैं, कितना विश्वास आपका है और क्यों है ये विश्वास? बहुत विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। विश्वास तो अपने आप ही बनता है। गुरुजी ने इतना कुछ सिखाया है और इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, वो कैसे गलत हो सकते हैं? आज गुरुजी समाज में नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? हम पे तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने गुरुजी को मिस जरूर करते हैं। हम चाहते हैं हमारे गुरुजी हमारे साथ हों, पर हम अगर सिमरन करते हैं तो हमें हर पल महसूस होता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? यही अपील करेंगे कि नाजायज़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वो गुरुजी हैं, आप खुद आके देखो, उनके विचार सुनो, आपको पता चल जाएगा। अगर नाजायज किसी के बहकावे में, ये जो सामाजिक तत्व है, ये जो ड्रग माफिया है, इनके कहने पे आप जो कुछ मर्जी करते रहे, हमारी यही अपील है कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी भेजा जाए। आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो गुरुजी ने मूवीज बनाई है, उनका क्या पर्पस है बनाने का? यही मानवता भलाई के कार्यों पर ही मूवी बनाई हुई है, जो गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं। भी जैसे भूखों को खाना खिलाना, जैसे फर्स्ट मूवी में दिखाया ही है कि अनाज इकट्ठा करते हैं, और उसमें दिखाया गया कि कैसे लोग एक दिन का व्रत रख के और अनाज इकट्ठा करके गरीब लोगों को देते हैं, तो यही मानवता भलाई का संदेश दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एजुकेटेड लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में उन्होंने कुछ गलत होते हैं नहीं देखा है। लड़कियों के लिए यहाँ पे जो माहौल है वो सेफ बताया जा रहा है। आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का।